हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी इंग्लिश डिलाइट में पढ़ने जा रहे हैं लेसन सेकंड। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो लेसन सेकंड है वो कौन सा है। हमारा लेसन सेकंड है द वाइज कॉक एंड द फॉक्स, यानी कि एक बुद्धिमान मुर्गा और एक जो लोमड़ी। वन मॉर्निंग अ कॉक सैट इन अ ट्री नियर अ विलेज, एक सुबह की बात है, एक गांव के पास एक पेड़ पे जो था वो मुर्गा बैठा हुआ था। सून अ फॉक्स वेंट टू द ट्री, जल्द ही एक जो लोमड़ी होती है वो पेड़ के पास आती है। ही वॉज हंग्री, हंग्री माने होता है भूखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आपके ब्लैक ब्लैक जो स्पेलिंग्स लिखी हैं ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके साथ में मैं मीनिंग बताती जाऊँगी। तो ही वॉज हंग्री, हंग्री माने भूखा, जो वो लोमड़ी थी वो भूखी थी। ही थॉट टू किल एंड टू ईट अप द कॉक, तो जो लोमड़ी थी उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इस जो मुर्गे को जो पेड़ पे बैठा है उसको मार के खा जाऊं। बट द कॉक सेट अप हाई इन द ट्री, जो मुर्गा था वो तो पेड़ पे ऊंचे पे बैठा हुआ था। द फॉक्स वॉज कनिंग, जो लोमड़ी थी वो बहुत ही चतुर और चालाक थी। ही थॉट टू कॉक द कॉक टू कम डाउन द ट्री, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मुर्गे को बहला फुसला के इस पेड़ से नीचे ले आऊं। सो ही सैड, इसीलिए उसने कहा। ओ ब्यूटीफुल बर्ड, ओ सुंदर चिड़िया, व्हाई डू यू सैड सिट देयर अलोन, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो। कम डाउन, नीचे आओ। लेट अस टॉक टू ईच अदर लविंगली, हम एक दूसरे से प्यार भरी बातें या प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। द कॉक वॉज वाइज, जो मुर्गा था वो बहुत जो मुर्गा था वो बहुत ही बुद्धिमान था। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराया और बोला, सर आई एम क्वाइट हैप्पी हियर, जो मुर्गा था वो मुस्कुराया और बोला, श्रीमान मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। द करिंग फॉक्स सेड, लेकिन जो चालाक लोमड़ी थी बोली, परहैप्स शायद यू आर अफ्रेड ऑफ मी, कि तुम मुझसे डर रहे हो। बट लेट मी टेल यू गुड न्यूज, परंतु मुझे तुम्हें गुड न्यूज यानी कि एक शुभ समाचार सुनाता हूँ। यस्टरडे गॉड सेट अस हिज कमांड नॉट टू किल वन अनदर एनी मोर, यानी कि हम किसी को, जो कल भगवान का एक आदेश आया था, संदेश आया था, जिसमें हम ये संदेश था कि हम एक दूसरे को या किसी को नहीं मारेंगे आज के बाद। He also commanded us to love one another and to live happily together, हम सभी से प्यार करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे, इस वो संदेश में ये भी था। He set his commands through Christ, उन्होंने जो ये संदेश था एक जो दूत होता है भगवान का उसके द्वारा भेजा। So please come down, इसीलिए नीचे आ जाओ। Let us embrace, मतलब होता है गले लगाना या लगना। Let us embrace each other, चलो हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। The cock said, but I did not hear his command, जो मुर्गा होता है उसने कहा, लेकिन मैंने उनका कोई संदेश नहीं सुना। The fox said, लोमड़ी ने कहा, it does not matter, ये कोई मैटर नहीं करता है। Thank you.
यू मे बिलीव मी, तुम मुझ पे विश्वास करो. आई एम अ ट्रू क्रिश्चियन, मैं एक सच्चा साई हूँ. जस्ट देन द वाइस कॉक नोटिस सम डॉग. इसके मतलब तुरंत ही जो मुर्गा था उसने नोटिस किया, यानी कि देखा कि जो कुछ कुत्ते हैं वो आ रहे हैं आउटसाइड द विलेज, यानी कि गांव के बाहर. ही थॉट टू टेस्ट द ट्रस्ट ऑफ द फॉक्स, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके विश्वास की परीक्षा लूँ. किसके विश्वास की परीक्षा? लोमड़ी की, जो इसने मुझे न्यूज़ यानी कि समाचार सुनाया है. ही सेज टू द फॉक्स, उसने लोमड़ी से कहा, सर आई सी सम डॉग्स कमिंग दिस वे, मैं जो हूँ श्रीमान, मैं कुछ आते हुए कुत्तों को यहाँ देख रहा हूँ जो इसी तरफ आ रहे हैं. लेट मी आस्क देम वेदर दे हियर्ड गॉड लेटेस्ट कमांड, मैं उनसे पूछता हूँ शायद उन्होंने सुना होगा जो भगवान ने जो जो संदेश दिया था, जो आदेश दिया था. द फॉक्स वॉज अफ्रेड टू हियर, ये सुनकर जो लोमड़ी थी वो डर गई. ही स्टूड अप, वो खड़ी हो गई. ही नोटिस्ड, ही नोटिस्ड दैट Some dogs were really coming that way. उसने देखा कि जो कुछ कुत्ते हैं सचमुच में उसी तरफ आ रहे हैं. So he said to the cock quickly. तो जल्दी जल्दी उसने जो मुर्गा था उससे कहा, Maybe they are not aware from the god's command. शायद वे जो हैं कुत्ते वो भगवान के जो आदेश हैं उससे अनजान हैं या उसे अवेयर नहीं है. लाइक यू, आपकी तरह, तुम्हारी तरह. सेइंग दैट ही टर्न बैक, और ये कहकर उसने वो जो था वो पीछे मुड़ गया. देन ही रन अवे इन टू द जंगल, और वो पीछे मुड़ के जंगल की तरफ भाग गया. द वाइज अलाउड हैप्पीली, यानी कि जो बुद्धिमान जो कॉक था यानी कि जो मुर्गा था वो खुशी के मारे तेज से चिल्लाया. वाई डिड द कॉक नॉट कम डाउन, जो मुर्गा था वो नीचे क्यों नहीं आया. वाई डिड ही क्रो लाउड, और वो तेजी से क्यों चिल्लाया. इन द एंड लास्ट में इट वॉज बिकॉज ही वॉज वाइज, ये सब जो था वो उसकी बुद्धिमानी के कारण हुआ. विजडम ऑफ हिज पावर, और जो उसकी बुद्धिमानी जो उसका जो उसकी समझदारी जो उसकी अकलमंदी और जो उसकी बुद्धिमानी थी उसकी शक्ति के कारण था ये सब. तो आज का हमारा चैप्टर था एक बुद्धिमान मुर्गे के बारे में और एक लोमड़ी के बारे में. तो ये चैप्टर यहाँ पे जो है वो फिनिश हो गया. इसमें जो ब्लैक प्लग जो स्पेलिंग है, हंगरी माने भूखा, कनिंग माने चालाक, लविंगली मतलब प्रेम पूर्वक, टू क्लॉक्स मतलब वन मिनट, क्लॉक्स मतलब बहलाना या फुसलाना, परहैप्स शायद, कमांड आदेश, एम्ब्रेस मतलब गले लगना, नोटिस माने ध्यान देना या देखना, लाउड मतलब तेजी से चिल्लाना, विजिटम माने अकलमंदी या समझदारी. तो जो ये ब्लैक जो वर्ड्स हैं, ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है. साथ में जो हार्ड वर्ड्स हैं इन्हें लर्न करना है. यही आपका होमवर्क है. और आपका जो होमवर्क है वो आपकी ही वीडियो में मैं बता रही हूँ कि जो ब्लैक वर्ड्स हैं
जो आपके स्पेलिंग्स हैं इन्हें आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में ही करना है, साथ में इसको लर्न भी करना है, और आपको दोबारा से जो ये लेसन है उसे रीड करना है। थैंक यू।